हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर फाइन एंड यू आर सेफ एट योर होम। लेट्स बिगन लेसन नंबर टू वी आर गोइंग टू बिगन। एंड ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड और इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव बीन कंप्लीटेड हाफ ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का हाफ जो हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस होल चैप्टर। सो लेट्स टर्न टू पेज नंबर 32 और यू कैन सी इन द स्क्रीन, यू कैन सी द पिक्चर हियर। इससे पहले हमने क्या देखा था, जैक और एनी जो है, वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर द रीफ। द रीफ जो है ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर जो है हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखो क्या होता है कि जैक और एनी जो है मिनी सब पे चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वो जब चले जाते हैं वहाँ पर और मिनी सब के अंदर जैक वॉज देयर एंड ही वॉज रीडिंग अबाउट मिनी सब फ्रॉम ओशियन बुक। ओशियन बुक में से जो मिनी सब के बारे में जो पढ़ रहा होता है। व्हाट हैपेंस हियर, उप्स सेड एनी। एनी कहती है व्हाट्स रॉन्ग, जैक लुक्ड अप। जैक कहता है कि जब एनी उप्स कहती है कि तब जैक पूछता है कुछ गड़बड़ है क्या, क्या बात है ये जो है जैक पूछता है। एनी वॉज वेविंग हर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। नाउ द स्क्रीन शोड अ मैप, शोड अ मैप। एनी जो है कंप्यूटर की फ्रंट की ओर जो है बिल्कुल हैंड्स को वेव कर रही होती है, तब स्क्रीन में बिल्कुल एक मैप जो है दिखाई देता है, कंप्यूटर के स्क्रीन में मैप दिखाई देता है। व्हाट्स गोइंग ऑन सेड जैक। जैक पूछता है कि क्या हो रहा है ये। आई जस्ट प्रेस्ड ए फ्यू कीज सेड एनी। एनी कहती है कि मैंने बस कुछ की दबाई, कुछ बटन दबाए। वाट आई सेट नॉट टू टच एनी थिंग सेट जैक। तब जैक पूछता कि मैंने पहले ही कहा था जब हम अंदर जा रहे हैं तो हमें कुछ भी, वी शुड नॉट टच एनी थिंग एल्स, हमें कुछ भी टच नहीं करना है, तो आपने टच क्यों किया। तो जैक पूछते हैं उनसे, एन एयर ब्लोअर केम ऑन द मिनी सब जर्क बैकवर्ड। तो धीरे धीरे हवाएं चलने लग जाती है, मिनी सब जो बिल्कुल पीछे की ओर आ जाता है। गेट आउट सेट जैक। जैक पूछता कि सीधा बाहर निकलते हैं आप। ही एंड एनी स्क्रैम्बल फॉर द हैच। अब वो और एनी दोनों जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैक ग्रेब्ड द हैंडल। जैक जो है इसको धीरे धीरे हैंडल कर लेता है पर नहीं होता। बट दे वर टू लेट। लेकिन क्या ये काफ़ी लेट हो चुकी होती है, अब वो काम नहीं करता ये। द मिनी सब स्लिड ऑफ द रीफ। अब मिनी सब जो है सीधा वहाँ से फिसल जाता है रीफ की ओर। देन इट वेंट साइलेंटली डाउन इंटू द डीप ओशियन। जैक और एनी जो है दोनों हैं मिनी सब पे, मिनी सब कंट्रोल में नहीं है। अब धीरे धीरे इट वेंट इनटू अ डीप ओशियन, बहुत ही गहराई में चला जाता है, ओशियन के महासागर के बहुत ही गहराई में चला जाता है, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो पिक्चर है। और अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जब ये डीप ओशियन में चला जाता है यहाँ से, एनी फिगर्ड आउट हाउ टू यूज़ द डैशबोर्ड टू मैनर्स द वेसल। अब जो है एनी ये फिगर आउट करती है, ढूंढने की करती है कि हाउ टू यूज़ द डैशबोर्ड, वहाँ पर जो डैशबोर्ड जो है इसको मैनर जो है कैसे करना है हमें। मतलब एनी चाहती थी कि उसमें से जो उनको कैसे धीरे धीरे उनको हटाना है, कैसे उनको बचना है केयरफुली जो है जो वेसल से, जो मिनी सब के अंदर जो है। जैक वांटेड टू गो बैक बट एनी वांटेड टू एक्सप्लोर एंड फाइंड द आंसर टू द रिडल। जैक तो जो घर जाना चाहता था, लेकिन एनी क्या है वो आंसर जो है ढूंढना चाहती थी। आंसर किसकी, रिडल की। रिडल आपको याद है जो पहले जो उनको जो मिली थी, किसके द्वारा मिली थी, मॉर्गन के द्वारा मिली थी जो रिडल, उसका आंसर जो है वो ढूंढना चाहती है एनी। सो दे ट्रेवल थ्रू द ओशियन आइडेंटिफाइंग वेरियस सी क्रीचर्स एंड टू डॉल्फिन। तो पूरे ओशन में वो ट्रेवल करने लग जाते हैं क्योंकि वो ओशन के डीप में चले जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सी क्रीचर्स देखते हैं, समुद्री जीव देखते हैं और साथ में टू डॉल्फिन्स भी देखते हैं। डॉल्फिन इट्स अ काइंड ऑफ फिश, एक फिश होती है डॉल्फिन। इन देयर जर्नी इन द ओशियन दे वर अटैक्ड बाई एन ऑक्टोपस हु स्क्वर्टेड ब्लैक इंक इन टू द वाटर विच ऑक्टोपसेस डू व्हेन दे हैव टू फेस एन एनिमी। और जर्नी के टाइम पे देखो वो क्या देखते हैं, एक ऑक्टोपस को भी देखते हैं जो अटैक करना चाहता है, और वहाँ पे जो है जैसे ऑक्टोपस अधिकतर जो करते हैं वैसा ही वो करते हैं। सो दे फेस सच एन एनिमी, एक
एनिमी की तरह जो है वो भी फेस करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट पेज खत्म होने वाला है बिल्कुल, वी आर इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सून द वाटर स्टार्टेड लीकिंग इन टू द वेसल। अब वाटर क्या है, धीरे धीरे लीकिंग करने लग गया था। वाटर स्टार्टेड लीकिंग एंड वाटर स्टार्टेड कमिंग इन टू द मिनी सब जहाँ पर बैठे हैं उसके अंदर पानी जो है घुसने लग जाता है। जैक एंड एनी ओपन द डोर एंड बिगन स्विमिंग व्हेन अ शार्क फॉलोड दम। तो तब क्या करते हैं, जब पानी आ जाती है, जैक और एनी जो है वहाँ से सीधा निकल कर पानी में चले जाते हैं, वो जो डोर जो है ओपन करके, और स्विमिंग करने लग जाते हैं। तब जो है एक शार्क फॉलो करता है उनको। शार्क ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ फिश, शार्क भी एक मछली होती है। जस्ट वैन दे थॉट देर वॉज नो एस्केप द टू डॉल्फिन शोड अप एंड टोड देम टू द शोर। तो तब जब ये शार्क पीछा करने लग जाते हैं इन दोनों की, तब इनको लगता है कि देर इज़ नो एस्केप, देर इज़ नो हेल्प नाउ, अब तो हमें बचना मुश्किल होगा। तब जो टू डॉल्फिन शोड अप, तब जो दोनों डॉल्फिन आ जाती है, जैसे पहले भी हमने देखा कि डॉल्फिन इनकी पीछा कर रही होती है। एंड वी नो द डॉल्फिन काफ़ी फ्रेंडली होती है, इट्स अ काइंड ऑफ फिश एंड वेरी फ्रेंडली, काफ़ी फ्रेंडली होती है ये डॉल्फिन। तो ये क्या है, सी शोर तक जो इनको लेकर के आ जाती है, समुद्र के किनारे जो इनको लेकर के आ जाती है डॉल्फिन। एज दे वॉक टुवर्ड्स द ट्री हाउस, जैसे कि वो अपने ट्री हाउस की ओर जा रहे होते हैं, ट्री हाउस मतलब जहाँ पर उनका घर था ट्री हाउस। एनी स्टेप्ड ऑन एन ऑयस्टर सेल। जैक रेड इन दिस बुक दैट ऑयस्टर समटाइम्स हैव ए पर्ल इनसाइड। तो ये जो रिवर्स होते हैं, ओशियन सीस, ये इसमें क्या है, बहुत सारे सेल जो है छिपे हुए होते हैं, दे हाइड सम सेल इन दम। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, एक सेल मिलता है उनको, वो ऑयस्टर सेल मिलता है। और जैक ने जो है बुक में पढ़ा था कि ऑयस्टर समटाइम्स हैव ए पर्ल इनसाइड, ऑयस्टर वाले सेल में जो है कई बार पर्ल होता है। पर्ल का मतलब क्या होता है, जो मोती होती है, जो समुद्र के नीचे जो रहता है, पर्ल इनसाइड। एंड दे रियलाइज दैट दिस वॉज द आंसर टू मॉर्गन्स रिडल। तब उनको समझ में आ गया कि ये जो उनके रिडल का आंसर था। आपको याद है ना रिडल, रिडल क्या था, उनको ये पूछा गया था, ये वाला जो है रिडल पूछा गया था कि ये वाला कैसा था रिडल, रिडल में क्या था, रफ एंड ग्रे एस रॉक, बिल्कुल रफ ग्रे कलर का चट्टान रॉक की तरह, बिल्कुल प्लेन था जितना ज़्यादा प्लेन हो सके, और इसके अंदर जो एक छिपी एक हिडन है, खजाना है। एंड देयर इज अ ग्रेट ब्यूटी, काफ़ी सुंदर भी है, और मैं कौन हूँ, क्या था वो, पर्ल था, वो मोती था जो हमने लास्ट में देखा यहाँ पर। तो ये जो है इनका, इनको जो है रिडल का आंसर मिल जाता है, जो मॉर्गन ने इनको एक रिडल दी थी। एंड दिस इज़ हाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड, इस प्रकार ये जो चैप्टर कम्प्लीट होता है। इट इज़ रिटन बाई मेरी पॉप ऑसबॉर्न के द्वारा लिखी गई जो है स्टोरी है। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी था। एनी और जैक जो है वो रिडल का आंसर ढूंढने के लिए सीधा ट्री हाउस से बाहर निकलते हैं। ये तो इट वॉज जस्ट ए ड्रीम, ये एक ड्रीम था। और जाते जाते क्या पानी में देखते हैं कि मिनी सब है जो बोट की तरह है, आपने पिक्चर में देखा, वहाँ पे चले जाते हैं। प्रॉब्लम होती है, ओशन के थ्रू ट्रेवल करते हैं, और धीरे धीरे उनको आंसर भी मिल जाता है। ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन यू कैन रीड द चैप्टर केयरफुली एंड ऑल्सो वॉच द वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।